कितने भाई आपके? और बहन? पांच। क्या कर रही हो यहाँ पे? बकरी चरा रही हो? स्कूल और तुम नहीं जाती हो? क्यों क्यों नहीं? पापा क्या करते हैं? हैं? पंजाब में क्या? बेटा तुमको लोग अच्छा क्या है क्या कहेंगे? अभी तुम्हारा जो उम्र है वो अभी खेलने का करने का है, ना कि काम का है, ठीक ना? वादा करो कि कल से हम जाएंगे स्कूल। जोर से बोलो। हेलो, ये ठीक ना? कल हंस दो, अब हंसो ना, ठीक है? और आपका एंजल व्लॉग्स में फिर से स्वागत है आपका, और ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। तो आज के ब्लॉग के बारे में बता दूं आप सभी को, आज का जो ब्लॉग है वो फिर से एग्जाम के लिए ही है ब्लॉग, और हम लोग आज बीरपुर टू राघोपुर का ब्लॉग फिर से वही सेम अब स्टार्ट करेंगे। और हाँ, रूट अलग होगा इस बार, कुछ हम लोग जाएंगे भीमनगर, बैसी, करजैन, रतनपुरा होते हुए, क्योंकि थोड़ा पर्सनल काम है बैसी में, तो बैसी होते हुए जाएंगे, उस काम को अंजाम देते हुए जाएंगे। तो ये चीकू का लंच है और ये हमार दिन की शुरुआत है। आज मैं अपने घर के और भी आपको मेंबर से मिलाता हूँ। आइए, ये मैं किसके लिए तोड़ रहा हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये तोड़ रहा हूँ और आप गलत भी हो सकते हैं। तो चलिए इसे तोड़ के फिर उसके पास जाएंगे हम लोग। एल हेयर चंगू मंगू चिंकी पोंकी। दोस्तों मैंने इसलिए इनमें रखा है इन लोगों को, ताकि डॉगी यहाँ पे बहुत ही आते हैं, और ये डॉगी का सबसे बड़ा दुश्मन ये होता है, तो डॉगी इसको देख के जो है इस पर अटैक करता है। तो फिर मैंने इसे इसी केज में रखा है ताकि इस पर अटैक ना करे। एक आध घंटे के लिए जब मैं फ्री होता हूँ तो इनको बाहर निकाल के तो इनके साथ खेलता हूँ, मतलब मैं नहीं खेलता, मेरी चीकू खेलती है इनके साथ, फिर इनको वापस अंदर कर दिया करते हैं सेफ्टी के लिए, मतलब इनके जान के लिए। हेलो करो, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो 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 हेलो। गाइस गाइस गाइस, मैं आ गया हूँ मार्केट, और कुछ होने वाला है सरप्राइज आज। तो सरप्राइज ये है कि आज मैं घर लेके जाऊँगा जलेबी, सब खुश, अम्मी अब्बा सब खुश। आ चुके हैं जलेबी की दुकान में, और यहाँ से लेंगे जलेबी एक पुआ। तो जलेबी कैसे पुआ है? 35 रुपये पाओ जलेबी। तो मैं लेके आ चुके जलेबी। गाइज, अगर आप सुपौल जिले के बीरपुर से हैं तो एक बार रामेश्वर होटल और वाली लाइन में जाएं, और ये चूर चूर हल्की फुल्की मस्त दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं और नाश्ता भी कर चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। well, दोस्तों यहाँ से हम केक लेंगे, दो केक और एक पानी, और आपका दिल लेंगे। मात्रे ठीक। तो भैया 200 रुपया का हमने फ्यूल भरवा लिया है, अब निकलते हैं। रोचक चीज दिखाने वाला हूँ आपको, रोचक चीज जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। ये जो व्हाइट पट्टी देख रहे हैं दो, तो आज हम इसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे। ये
कैसे बनती है ये वाइट पट्टी, आज मैं ये आपको दिखाऊंगा। क्या सब दिए हैं इसमें? अच्छा ये प्लास्टिक पेंट है ये। ओ और इसको हीट करके निकालते हैं इसको अंदर से। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप ये किस तरह से ये भाप बन के निकल रही है, एकदम हीट करके इसको दिया जा रहा है अंदर से। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आपको। तो अब कंटिन्यू करते हैं आप। प्लान थोड़ा चेंज कर रहे हैं दोस्तों, मतलब जहाँ काम है पैसी में तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो जैसे हम लोग सेकंड वाले ब्लॉक का जो रूट था वही रूट से जाएंगे। बलवा कॉर्नर दोस्तों, यहाँ से क्वार्टर जो है 6 किलोमीटर है, और 6 किलोमीटर के बाद जो है 57 नेशनल हाईवे जो है उस पर चढ़ेंगे अभी हम लोग, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और बीच में एक दोस्त का है घर, तो उनको साथ में लेके फिर वहाँ से निकलेंगे कॉलेज। क्या नाम है तुम्हारा? जरा यहाँ उधर पास में आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हैं, जोर से बोल। हैं, क्या कर रही हो यहाँ पे? बकरी चरा रही हो? स्कूल और तुम नहीं जाती हो? क्यों काहे नहीं जाती हो? तुम्हारे लिए स्कूल बना है, आंगनबाड़ी है, तुमको जाना चाहिए ना। पापा क्या करते हैं? हैं? पंजाब में क्या काम करते हैं? हैं? कौन से काम में हैं? अच्छा, तो आज हम तुमको एक गिफ्ट देंगे, ठीक है? और तुमको हमसे वादा करना पड़ेगा कि हम कल से हर रोज जाएंगे स्कूल। मान लो हम लोग गरीब हैं, तो हम लोग का घर का जो काम है वो काम तो जो है करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लोग को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, और जो है आंगनबाड़ी भी जाना है ना, है कि नहीं? हैं, तो वादा करो कि जो है कल से हम जाएंगे स्कूल जाएंगे, ठीक? यहाँ जाओ, इधर आओ। कल से वादा करो तुम कि जो है हम कल से जाएंगे स्कूल, ठीक ना? नाम क्या आपका? भाई 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 कितने भाई आपके? एक। और बहन? 5। तो बेटा अगर पढ़ लिख जाओगे आप तो कोई अच्छा सा नौकरी करोगी, या कहीं काम करो, क्योंकि पढ़ने के बाद लोग अच्छे से काम करा करते हैं, ठीक है? तो कभी भी जो है मतलब स्कूल को मिस नहीं करना है। मतलब स्कूल में नाम वाम है कि नहीं लिखा हुआ? कौन सा स्कूल में नाम है? नाम भी नहीं पता है आपको स्कूल का? लो ठीक है, ये घर में जाके बताना कि एक अंकल आए थे और हमको बताए हैं कि हमको हर रोज स्कूल जाना है। स्कूल में खाना वाना जो है बनता है कि नहीं? हैं, तब तो हमको जाके घर में सबको बताना है कि मम्मी पापा कि हम कल से जाएंगे स्कूल, ठीक ना? ये लो, ये इसको रखो। रुको 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 रुको, पढ़ लिख जाओ कि बेटा तुमको लोग अच्छा कहे हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा जो उम्र है वो अभी खेलने का करने का है, ना कि काम का है, ठीक ना? तो हमको वादा करो कि हम कल से जाएंगे स्कूल। जोर से बोलो कि हम अंकल आपसे वादा करते हैं। हैं, हम अंकल आपसे वादा करते हैं कि कल से जाएंगे स्कूल। तो हमसे वादा करो कि कल से हम जाएंगे स्कूल। जोर से बोलो। अब थोड़ा हंस भी दो। अब लो लो लो, खा लो ये, ठीक ना?
कल से स्कूल जाना। अब थोड़ा ये स्माइल करे। अरे अंकल टाइप के हैं, खा लो, हंस दो, अब हंसो ना। ठीक है, गाइस मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ अभी। अभी मैंने उसके कपड़े देखे और उससे बात की और उसका काम देखा अभी, और मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। 157 है। मैं शो ऑफ करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं इस व्लॉग के माध्यम से मैं अपने लिए नहीं, मैं उन सारे बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ। अगर आप कहीं पे निकलते हो या घर से बाहर कहीं भी निकलते हो आप, तो अपने बैग में अपने कपड़ों और जूते चप्पल के साथ में ना कुछ खाने पीने की जो चीज़ सब है वो अपने पास में रख ले, क्योंकि गाइस दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो जाना है। आपने लाखों कमाना है, हजारों कमाना है या 500 कमाना है, उनको ख़त्म होना ही है। लेकिन ये जो आपने देखा अभी, आप मर जाते हो तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो वेल दोस्तों, अब यहाँ से निकलेंगे दोस्त को, और दोस्त के यहाँ दोस्त को लेके, दोस्त का घर यही साइड में ही है, फोर लेन के साइड में ही है, तो उनको लेके फिर वहाँ से कॉलेज के लिए निकलेंगे। कॉलेज पहुँच चुके हैं और वहाँ पे स्टूडेंट लोग जा रहे हैं अब अंदर। अब यहाँ से हम लोग एक प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे। अब तो वेल गाइस चल रहा है एग्ज़ाम यहाँ यहाँ अंदर में, तो हम लोग आए हैं यहाँ चाय पीने के लिए, और चाय ये हमारे भाई साहब अपने हाथों से बनाएंगे। भाई क्या नाम है आपका? विजय कुमार के हाथों से चाय पियेंगे हम। और ये तो वेल गाइस चाय पी के वापस चले आए हैं कॉलेज। अब यहीं पे हम लोग सड़ेंगे धड़ेंगे, यहीं पे रहेंगे। दिन के बज गए 2:30 और अभी भी एग्जाम चल ही रहा है, 4 बजे तक ये चलेगा, तो हम लोग को लग गई है भूख और हम लोग आए हैं यहाँ खाना खाने। दोस्तों 240 का चौथाई भाग कितना होता है? 7 × 28 = 60, 6 × 6 = 24। हाँ, 60 रुपये का ये जो है, क्या कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको दोस्त, चिकन बिरयानी बे। अब देखते हैं। तो वेल दोस्तों एग्जाम खत्म हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब सामने देखा, तो दोस्तों यहाँ रुके थे हम लोग चाय पीने के खातिर, तो चाय पी चुके हैं, अब जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ से घर करीब 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, तो हम लोग को अब कहीं नहीं रुकना है, सीधे घर पे जाके रुको। और ठंड बहुत बढ़ गई है हमारे, बहुत ठंड बढ़ चुकी है बहुत। ये रे बाब, अगर आप लोग ब्लॉग्स अगर अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपना कॉमेंट ड्रॉप करे, अगर सही लगी हो तो भी करे, गलत लगी हो तो भी करे, क्योंकि ये मेरा 3rd ब्लॉग है, अगर कहीं कोई कमी हो तो इसके लिए क्षमा करें। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी। लव यू ऑल गाइज, गुड नाइट, विश यू वंडरफुल डे, गुड नाइट।